दोस्तों फाइनली आईपीएल 2020 में आज का डू और डाई मैच राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खत्म हो चुका है। और इस मैच के खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2020 में आज का लेटेस्ट पॉइंट टेबल बताएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पंजाब या फिर राजस्थान की टीम आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी या फिर नहीं। और इसके साथ ही पर्पल कैप और ऑरेंज कैप का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ऑल ओवर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में आसानी से क्वालिफाई कर जाए तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। और वीडियो के ठीक नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में उस बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल 2020 के मैचों का 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो टॉनी भाई के साथ कांटेक्ट जरूर करें। उनका सभी डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आईपीएल 2020 में आज के लेटेस्ट पॉइंट टेबल के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं आठवें पोजिशन के बारे में। तो यहाँ पर आ चुकी है एमएस धोनी की कप्तानी वाली यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। और अभी तक आईपीएल 2020 में चेन्नई की टीम ने टोटल 13 मैच खेले हैं, जिसमें 5 बार सीएसके की टीम जीतने में सफल रही है, वहीं 8 बार सीएसके को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 13 में से 5 मैच जीत करके 10 अंकों के साथ चेन्नई की टीम पॉइंट टेबल में 8वें पोजीशन पर मौजूद है। और इस टीम के मौजूदा नेट रन रेट के बारे में बात करें तो इस टीम का नेट रन रेट -0.532 है, यानी कि चेन्नई की टीम इस आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में किसी भी हालात में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सातवें पोजीशन के बारे में। तो यहां पर आ चुकी है डेविड वार्नर की कप्तानी वाली सनराइजर हैदराबाद की टीम, जहां पर अभी तक आईपीएल 2020 में एसआरएच की टीम ने टोटल 12 मैच खेले हैं, जिसमें 5 बार हैदराबाद की टीम जीतने में सफल रही है, वहीं 7 बार हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 12 में से 5 मैच जीत करके 10 अंकों के साथ हैदराबाद की टीम पॉइंट टेबल में फिलहाल सातवें पोजीशन पर मौजूद है। और इस टीम के मौजूदा नेट रन रेट के बारे में बात करें तो इस टीम का नेट रन रेट +0.396 है, यानी कि इस टीम में प्लेऑफ के जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। और एसआरएच की टीम आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में आसानी से क्वालिफाई करती हुई नजर आ सकती है। इसके लिए इस टीम को बाकी बचे दोनों मैच जीतने पड़ेंगे, इसके साथ ही अदर टीम पर भी डिपेंड रहना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं छठवें पोजीशन के बारे में। तो यहां पर अब लुढ़क कर आ चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जहां पर अभी तक आईपीएल 2020 में केकेआर की टीम ने टोटल 13 मैच खेले हैं, जिसमें 6 बार कोलकाता की टीम जीतने में सफल रही है, वहीं 7 बार केकेआर को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 13 में से 6 मैच जीत करके 12 अंकों के साथ कोलकाता की टीम आईपीएल 2020 के पॉइंट टेबल में 6वें पोजीशन पर मौजूद है। और इस टीम के मौजूदा नेट रन रेट के बारे में बात करें तो इस टीम का नेट रन रेट -0.467 है, यानी कि केकेआर का नेट रन रेट बहुत ही ज्यादा खराब है। और कोलकाता की टीम आईपीएल 2020 के प्लेऑफ से लगभग बाहर हो चुकी है। हालांकि अगर यह टीम अपना अंतिम मुकाबला बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करती है तब यह टीम आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या कोलकाता क्वालिफाई करेगी या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दें। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पांचवें पोजीशन के बारे में। तो यहां पर जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है, जहां पर आज जीत दर्ज करने के बाद राजस्थान की टीम डायरेक्टली पॉइंट टेबल में 7वें से 5वें पोजीशन पर आ चुकी है, जहां पर अभी तक आईपीएल 2020 में राजस्थान की टीम ने टोटल 13 मैच खेले हैं, जिसमें 6 बार आरआर की टीम जीतने में सफल रही है, वहीं 7 बार राजस्थान को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 13 में से 6 मैच जीत करके 12 अंकों के साथ राजस्थान की टीम आईपीएल 2020 के पॉइंट टेबल में 5वें पोजीशन पर मौजूद है। और फ्रेंड्स, यहां पर से राजस्थान की टीम की प्लेऑफ में जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। और हो सकता
सकता है कि राजस्थान की टीम इस साल आपको आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करती हुई नजर आ जाए, तो आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान क्वालिफाई कर पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दें। उसके बाद बात कर लेते हैं चौथे पोजीशन के बारे में। तो यहाँ पर आ चुकी है केएल राहुल की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम, जहाँ पर अभी तक आईपीएल 2020 में पंजाब की टीम ने टोटल 13 मैच खेले हैं, जिसमें 6 बार के एक्साईपी की टीम जीतने में सफल रही है, वहीं 7 बार किंग्स 11 पंजाब को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 13 में से 6 मैच जीत करके 12 अंकों के साथ पंजाब की टीम फिलहाल पॉइंट टेबल में चौथे पोजीशन पर मौजूद है। और आज राजस्थान के हाथों हारने के बाद पंजाब की टीम की प्लेऑफ में जाने की उम्मीदें जो है वो लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही है। हालांकि पंजाब का नेट रन रेट थोड़ा बहुत ठीक है, तो हो सकता है कि पंजाब प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाए। इसके लिए केएक्साईपी की टीम को अपना अंतिम मैच जीतना पड़ेगा, इसके साथ ही अदर टीम पर भी डिपेंड रहना होगा और साथ ही साथ अपने नेट रन रेट में भी सुधार लाना होगा। उसके बाद ही पंजाब की टीम आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में आपको क्वालिफाई करती हुई नजर आ सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या केएल राहुल की टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दें। उसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे पोजीशन के बारे में। तो यहां पर आ चुकी है श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जहां पर अभी तक आईपीएल 2020 में दिल्ली की टीम ने टोटल 12 मैच खेले हैं, जिसमें 7 बार दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीतने में सफल रही है, वहीं 5 बार डीसी को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 12 में से 7 मैच जीत करके 14 अंकों के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम पॉइंट टेबल में फिलहाल तीसरे पोजीशन पर मौजूद है। और दिल्ली के मौजूदा नेट रन रेट के बारे में बात करें तो यहां पर डीसी के फैंस के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस टीम का नेट रन रेट +0.030 है, यानी कि नेट रन रेट पॉजिटिव में है। तो इससे डीसी की टीम को प्लेऑफ में जाने में थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है। और यहां पर से दिल्ली की टीम बाकी बचे 2 में से अगर एक मैच भी जीत जाती है तो आसानी से आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में आपको क्वालिफाई करती हुई नजर आ सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे पोजीशन के बारे में। तो यहां पर आ चुकी है विराट कोहली की कप्तानी वाली और इसके साथ ही आईपीएल इतिहास की सबसे मोस्ट पॉपुलर टीम यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, और अभी तक आईपीएल 2020 में आरसीबी की टीम ने टोटल 12 मैच खेले हैं, जिसमें 7 बार आरसीबी की टीम जीतने में सफल रही है, वहीं 5 बार बेंगलोर को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 12 में से 7 मैच जीत करके 14 अंकों के साथ आरसीबी की टीम आईपीएल 2020 के पॉइंट टेबल में दूसरे पोजीशन पर मौजूद है। और इस टीम की मौजूदा नेट रन रेट के बारे में बात करें तो इस टीम का नेट रन रेट +0.048 है, यानी कि नेट रन रेट पॉजिटिव में है। तो इस बात की वजह से आरसीबी की टीम को बेनिफिट हो सकता है। और आरसीबी की टीम अपना अगला मुकाबला हैदराबाद के साथ खेलने वाली है, तो वहां पर अगर कोहली की टीम जीतने में सफल रहती है तब आसानी से आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पहले पोजीशन के बारे में। तो यहां पर आ चुकी है रोहित शर्मा की कप्तानी वाली और इसके साथ ही 4 बार की चैंपियन यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम, और मुंबई की टीम ने अभी तक आईपीएल 2020 में टोटल 12 मैच खेले हैं, जिसमें 8 बार एमआई की टीम जीतने में सफल रही है, वहीं 4 बार मुंबई को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 12 में से 8 मैच जीत करके 16 अंकों के साथ मुंबई इंडियंस की टीम पॉइंट टेबल में पहले पोजीशन पर मौजूद है। और इस टीम के मौजूदा नेट रन रेट के बारे में बात करें तो इस टीम का नेट रन रेट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, जहां पर इस टीम का नेट रन रेट +1.186 है। और मुंबई पहली ऐसी ऑफिशियल टीम बन चुकी है जो कि आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में पूरी तरीके से क्वालिफाई कर चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, कौन सी 4 टीमें आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दें। और अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लिया जाए तो मेरे अकॉर्डिंग यहां पर मुंबई, आरसीबी, दिल्ली, इसके साथ ही पंजाब, कोलकाता या फिर राजस्थान या फिर हैदराबाद में से कोई एक टीम आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पर्पल कैप और ऑरेंज कैप के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑरेंज कैप के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि अभी तक आईपीएल 2020 में किस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर के प्लेयर हैं वो है डेविड वार्नर, जो कि अभी तक आईपीएल 2020 में 12 मैच खेल चुके हैं और 12 मैचों में 436 रनों के साथ डेविड वार्नर ऑरेंज कैप की रेस में तीसरे पोजीशन पर मौजूद है। उसके बाद दूसरे पोजीशन पर शिखर धवन, जो कि 12 मैचों में 471 रनों के साथ ऑरेंज कैप की रेस में दूसरे पोजीशन पर चल रहे हैं। उसके बाद पहले पोजीशन पर है केएल राहुल, जो कि 13 मैचों में 641 रनों के साथ ऑरेंज कैप की रेस में फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं पर्पल कैप के लेटेस्ट
इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो पर्पल कैप की रेस में तीसरे पोजीशन पर है मोहम्मद शमी जो कि 13 मैचों में 20 विकेटों के साथ पर्पल कैप की रेस में तीसरे पोजीशन पर चल रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे पोजीशन के बारे में, तो यहाँ पर है मुंबई इंडियंस के स्ट्राइकिंग फास्ट बॉलर यानी कि जसप्रीत बुमराह, और बुमराह 12 मैचों में 20 विकेट के साथ फिलहाल पर्पल कैप की रेस में दूसरे पोजीशन पर चल रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पहले पोजीशन के बारे में, तो यहाँ पर है दिल्ली कैपिटल्स के स्ट्राइकिंग फास्ट बॉलर यानी कि कैगिसो रबाडा, और रबाडा ने अभी तक आईपीएल 2020 में टोटल 12 मैच खेले हैं और 12 मैचों में 23 विकेट के साथ कैगिसो रबाडा पर्पल कैप की रेस में पहले पोजीशन पर चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही था आईपीएल 2020 में आज का लेटेस्ट पॉइंट टेबल, इसके साथ ही पर्पल कैप और ऑरेंज कैप का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो दिल से एक लाइक जरूर करें, और वीडियो के ठीक नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही में उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले जिससे आने वाले समय में आपको मैच खत्म होने के बाद आईपीएल 2020 का लेटेस्ट पॉइंट टेबल यूट्यूब पर सबसे पहले देखने को मिलती रहे, और साथ ही साथ क्रिकेट प्रेडिक्शंस के लिए टॉनी भाई के साथ कॉन्टैक्ट जरूर करें। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।